I think a fan has a question for you, so let's see. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाने मोहम्मद है। टीना सानी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके बहुत सारे कलेक्शन मेरे पास मौजूद हैं घर पे। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, ये कि आप फैज़ अहमद फैज़ को क्यों ज़्यादा तरजीह देती हैं? शानी नाम था ना, शाने अहमद। एक तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि आपकी बहुत, आप बहुत कम उम्र हैं और आप इस किस्म की म्यूज़िक अगर सुनते हैं तो ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है, क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यंग लिसनर्स, बिकॉज वो मेरे नज़र में वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं 24-25 साल की थी तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि मैं जो काम कर रही हूँ या जितना मैं बिलीव करती हूँ अपने काम में उस उम्र में, होपफुली कि वो उस मैसेज को या उन चीज़ों को जो वो बहुत खूबसूरत थी, वो आज की जेनरेशन मैं अगर वो मेरे थ्रू या हमारे जैसे लोगों के थ्रू ट्रांसफर होती है तो वो पर आपके वक्त में आवर से ये लिटरेचर से इसका ताल्लुक है कि अगर कोई यंग जनरेशन जो है वो इतने यू नो रिनाउंड पोएट्स को अगर पढ़ते हैं तो इट डज हैव समथिंग टू डू विद लिटरेचर एंड देयर इंटरेस्ट इन लिटरेचर इन स्कूल, या फिर ये एक अलग से एक यू नो एक इंटरेस्ट होना? नादिया, आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड अ ट्रिकी क्वेश्चन कि आपके अराउंड क्या माहौल है कि जिसमें कि आप क्या सुन रहे हैं। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ यंग पीपल हु नो द पोएट्री ऑफ गालिब एंड पोएट्री ऑफ फैज़ साहब एंड पोएट्री ऑफ ऑल दीज पीपल वेरी वेल, एंड येट आई हैव मेट पीपल माय एज हु नो नथिंग एंड इट्स सो अमेजिंगली डिसअपॉइंटिंग कि ये इस उम्र तक भी इनको वो पर वही है ना कि माहौल, बट इट्स नॉट नेसेसरी स्कूल का माहौल, शायद घर के माहौल से ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो, स्कूल का अगर माहौल होता तो फिर तो मुझे बिल्कुल ही नहीं शौक होना चाहिए था, क्योंकि मेरे अराउंड तो कभी भी उर्दू लिटरेचर नहीं रहा जब मेरे स्कूल की बात आप करते हैं। घर के माहौल से यूँ फर्क पड़ता है, आई मीन यू नो इट एंड आई नो इट, कि हमारे घर में क्लासिकल म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक था, पोइट्री और लिटरेचर का इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता था। फार इज यू नो माय फादर वाज कंसर्न, योर नाना वाज कंसर्न, लिटरेचर इतना नहीं था, लेकिन क्लासिकल की वजह से फिर वो एक स्टेप अप हुआ सराउंडिंग, और आई वाज लकी टू बी सराउंडेड एंड बी अमंग्स पीपल लाइक अरशद महमूद, लाइक शोएब साहब, I just happened to be in a place, Shoaib Hashmi, I'm sorry, Sareema Hashmi. वक्त ऐसा था तो you just और अगर आप वो सही पौधा हैं आप या कहीं सीड आपके अंदर लगी हुई है सही वाली और उसको वो कहीं वो माहौल मिल जाए तो वो जरूर ग्रो कर लेता है। Well, with that note, I'm going to take a very short break. Please be back with me and Teena Sahni on Talking Music in a short while. Welcome back to Talking Music. This is me, Nadia Hussain, and today I'm talking to Teena Sahni. Aap batayein ki, do you prefer singing live or recorded songs? Generally, live. Prefer live. Absolutely, yes. But, you know, the last time that aapne jo koi recording ki thi, that was basically an album, right? नहीं, छोटी मोटी आई कीप डूइंग, जैसे कोई प्ले का कोई गाना कर दिया तो उसमें रिकॉर्डिंग चलती है। बट अगर कोई जिस तरह रिकॉर्डेड का कोई होता भी है तो दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन एल्बम, तो व्हेन आर यू गोना वर्क ऑन दैट? वी विल टॉक अबाउट इट एट होम, ओके? बट होपफुली सून।